नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओबी न्यूज। तो दोस्तों, वक्त हो गया है दोपहर तक की बड़ी खबरों को जानने का। उससे पहले अगर आपने अभी तक जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज दोपहर तक की बड़ी खबरें। जाधव के लिए पाकिस्तान ने फिर फेंका काउंसलर एक्सेस का पासा। भारत ने कहा कोई शर्त या बाधा मंजूर नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुंह की खाने के बाद आखिरकार पाकिस्तान जासूसी के आरोप में जेल में बंद भारतीय कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने को तैयार हो गया है। भारत ने साफ किया कि कोई शर्त या बाधा मंजूर नहीं होगी। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले में कुलभूषण जाधव मामले पर मिली फटकार के बाद किरकिरी झेल चुके पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को काउंसलर एक्सेस का प्रस्ताव भेजा है। अदालती निर्णय के 1.5 महीने बाद इस्लामाबाद की तरफ से आई दूसरी पेशकश को फिलहाल भारत सरकार ने न तो अस्वीकार किया है और न ही स्वीकार किया है। ताजा पाक प्रस्ताव पर भारत सरकार का कोई आधिकारिक बयान भी अभी तक नहीं आया है। हालांकि कश्मीर पर भारत पाक रिश्तों में जारी तनाव के बीच आए इस प्रस्ताव की टाइमिंग एक बार फिर पाकिस्तानी पैतरे की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में शर्तों के पेंचो खम के साथ आए प्रस्ताव को भारत की तरफ से इसे मंजूर किए जाने की संभावना धुंधली है। वैसे भी भारत यह साफ कर चुका है कि उसे जाधव के लिए अबाध और दबाव रहित मुलाकात से कम कुछ मंजूर नहीं है। पाकिस्तानी प्रस्ताव को सार्वजनिक करते हुए पाक विदेश विभाग प्रवक्ता डॉक्टर फैजल मोहम्मद ने ट्वीट किया कि कुलभूषण जाधव के लिए भारत को 2 सितंबर 2019 को काउंसलर एक्सेस की इजाज़त दी जा रही है। हालांकि अपने ट्वीट में जाधव के लिए भारतीय जासूस और रॉ एजेंट जैसे जुमलों का प्रयोग पाकिस्तान ने के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया और कहा कि इस पेशकश के पीछे हमारी मंशा कैसी है। पाक प्रवक्ता ने जाधव पर जासूसी आतंकवाद के आरोपों का भी उल्लेख किया है। देश भर में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज, राष्ट्रपति और पीएम ने दी बधाई। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। इस मौके पर बप्पा के दर्शन के लिए मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे भारत में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने इस पर्व को लेकर देशवासियों को बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में राष्ट्रपति ने कामना की है कि सभी लोगों को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी देशवासियों को पावन पर्व गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पप्पा के दर्शन के लिए मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सिद्धिविनायक मंदिर को 100 तरह के फूलों से सजाया गया है। लोगों में जश्न का माहौल है। लोग अपने अपने घरों में भी पप्पा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली में नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के पहले ही दिन कटे 3900 चालान। नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से मना कर दिया है। इन राज्यों की दलील है कि नए कानून में जुर्माने की राशि बहुत ज्यादा है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने महानगर में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के रविवार को प्रभावी होने के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए 3900 चालान जारी किए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। संसद ने मोटर व्हीकल संसद ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को जुलाई में पारित किया था। इसमें सड़क यातायात नियमों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और उल्लंघनों के लिए सख्त जुर्माने आदि लगाने की बात कही गई थी। यह विधेयक सड़क सुरक्षा को सुधारने के प्रयासों के तहत लाया गया था। यातायात पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़े के मुताबिक आपको बता दें कि उसने रविवार को 3900 लोगों के चालान काटे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार मोटर वाहन संशोधन अधिनियम को लागू करने के संबंध में अधिसूचना जारी करने से पहले यातायात पुलिस समेत अन्य साझेदारों के साथ राय मशविरा करेगी। गहलोत ने एक बयान में कहा कि कई सालों के अंतर के बाद अधिनियम के तहत भारी जुर्माने निर्धारित किए गए हैं, तो इससे जुड़ी अधिसूचना यातायात पुलिस और अन्य साझेदारों के साथ गंभीर विचार विमर्श करने के बाद जारी की जाएगी। स्पीकर समिट में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। हरिवंश बोले, कश्मीर नहीं सीमा पार आतंक है शांति में बाधा। कश्मीर का मुद्दा उठाने पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि कश्मीर नहीं सीमा पार जो आतंक है वही शांति में बाधा है। दरअसल पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिस पर भारत ने नियमों का हवाला दिया और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। हरिवंश ने कहा, हम भारत के आंतरिक विषय को इस मंच पर उठाए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हैं।
इस सम्मेलन के मुख्य विषय के दायरे से बाहर के मुद्दे उठाकर पाकिस्तान द्वारा इस मंच को राजनीतिक रंग दिए जाने को भी हम खारिज करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वह सीमा पार आतंकवाद को सभी तरह का राजकीय समर्थन देना, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के हित में बंद करें।